होम टूर दो, तो आज मैं होम टूर पे वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसा है हमारा यूएस का घर। तो गाइज ये रेंटेड घर है, हमारा अपना नहीं है। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये गराज है। तो एक गाड़ी का फुल गराज है, काफ़ी बड़ा गराज है। एंड यहाँ से एंट्री है एज वेल एज गराज से भी एंट्री है। तो यहाँ से है एंट्री एंड यहीं पे बगल में है गराज की एंट्री। तो यहाँ से हम गराज से भी एंटर कर सकते हैं और घर से भी एंटर कर सकते हैं। गराज काफी बड़ा है। सो यहाँ से होता है एंट्री, हम नीचे से आते हैं ऊपर की तरफ। ये बिल्डिंग है थर्ड फ्लोर पे, पर हमें पर्सनल एंट्रेंस मिला है। सो गाइज घुसते ही पहले यहाँ पे मिलेगा लिविंग रूम, जो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है एंड बहुत बड़ा विंडो है एंड बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ये है एंड यहाँ पे है हमारा फुटॉल, जहाँ पे हम बैठ के आराम से टीवी देखते हैं। यहाँ पहले होता था रिधान का स्टडी टेबल, पर अभी किसी वजह से वो स्टडी टेबल हमने हटा दिया है। वो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा वजह क्या है। फुटॉन के जस्ट सामने है, यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सा टीवी। तो इसका अभी तक हमने कोई फर्नीचर नहीं लिया टीवी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, उस हिसाब से हमें कोई रैक पसंद नहीं आ रहा था। एंड इसके जस्ट पीछे है फायरप्लेस। वैसे डलाज में फायरप्लेस की तो जरूरत बिल्कुल नहीं, इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। एंड इसके ऊपर मैंने कुछ फोटोज वगैरह सजा के रखा है, जो भी मेरे पास था, क्योंकि सजाने का बस यही एरिया इस घर पे। एंड वहाँ पे है मेरा फोटो, जो हम लोग तीनों का फोटो है एंड बेस्ट मेमोरी। फिर टीवी के जस्ट बगल में एक छोटे से स्पेस में हमने बनाया है रिधान का प्ले एरिया, क्योंकि वो पूरे घर में टॉयज फैलाता, तो उसको बस हमने ये एरिया दिया, यहाँ पे वो फैलाए। फिर यहाँ पे हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम रखा है एंड यहाँ पे प्लांट्स रखा है, यहाँ पे हमारे सारे चीज है। फिर यहाँ भी हमने ऐसे डेकोरेट किया है यहाँ पे। सो गाइस ये है मेरा वेंचिल। तो ये मैंने यूएस से ही लिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में बताऊं, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा थोड़ा महंगा मिला था, क्योंकि ये टीजे मैक्स में यहाँ के शॉप में स्पेशली एक इंडियन कॉर्नर करके था, वहां से हमने लिया था। तो ये बहुत अच्छा, वैसे ये बाहर लगाने का, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ लगाया। इसके साथ है हमारा डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे पहले हमारा ब्लैक कलर का बहुत सुंदर सा डाइनिंग टेबल था, अब नहीं है। तो यहीं पे मैंने रखा है मंदिर अपना छोटा सा, भगवान जी को प्रे करती हूँ। एंड विंडो है यहाँ भी, काफी बड़ा विंडो है ये, जो मैं हमेशा ऑलमोस्ट क्लोज ही रखती हूँ, उसको ओपन नहीं रखती। बालकनी है उधर, ये अटक नहीं रखती। एंड यहाँ पे मैंने थोड़े से प्लांट्स रखे। सो डाइनिंग रूम से ही अटैच हमारा बालकनी का गेट है। तो बहुत गर्मी है, आइए आपको भी गर्मी दिखाऊं थोड़ा। यहाँ पे मेरे प्लांट है थोड़े एंड ग्रीनरी देखो, अगर शाम में या मॉर्निंग में आप बैठो तो योगा करने का बहुत अच्छा स्पेस है। एंड मैं ज़्यादातर वीडियो, लास्ट वीडियो जो शूट की थी, यहीं पे खड़े होके शूट की थी। तो यहाँ पे मुझे रील्स बनाना और वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा आता है। एंड डाइनिंग टेबल की मतलब ओपन किचन है एंड ये है काफ़ी बड़ा किचन। तो ये है पूरा हमारा किचन। एंड यहाँ पे हमें जो बेसिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे माइक्रोवेव, स्टोव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, ये हमें किचन में इंस्टॉल मिलता है। एंड डिश वॉशर, यहाँ पे डिश वॉशर है, ये सारे चीज हमें अप्लायंसेस साथ में मिलती है। एंड यहाँ पे पूरे दिन का मेरा 50% टाइम इसी एरिया में बीत जाता है, खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मेरा फेवरेट है एयर फ्रायर, जिसको मैं जहां जाती हूँ लेके जाती हूँ। एंड ये मेरा फेवरेट कप, जिसको मैं हमेशा स्लैब पे ही रखती हूँ पानी पीने के लिए, से दिन भर में 5 कप पानी पी जाती हूँ मैं। एंड इस किचन में सबसे अच्छा मुझे लगता है ये एरिया, इसमें क्या है, ये है मेरा पूरा खाने पीने का पैंट्री। यहाँ पे जो भी मतलब ग्रोसरी स्नैक्स, तो ये 2-3 सिर्फ हमारा स्नैक्स से भरा है, और ये 2 नीचे का बस ग्रोसरी है। किचन के साथ ही है लॉन्ड्री एरिया,
ये है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तो सबको पता ही है। एंड ये है ड्रायर। तो यहाँ पे बाहर कपड़े सुखाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको वॉशिंग मशीन के साथ ही ड्रायर मिल जाता है, इसके अंदर कपड़े सूखते। तो अभी ये कपड़े मुझे सुखाने, तो वो रखा हुआ है। यहाँ पे हम रस्सी टांग के या वो टांग के नहीं ड्राई कर सकते कपड़े। किचन के बाद आ जाता है ये गैलरी, जो कि एक छोटा सा पैसेज है। यहाँ पे है छोटा सा क्लोसेट, जो अभी बहुत रिधान के टॉय से भरा हुआ है। सो ये पैसेज भी एक तो बहुत सुंदर सा लाइट दिया है, यहाँ वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे एक बॉक्स है जो कि हीटर एज वेल एज एयर कंडीशनर का काम करता है। कूलिंग हीटिंग का सिस्टम है यहाँ पे, तो इसको ऑन ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो एसी स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज हीटर स्टार्ट हो जाता है। एंड ये है जो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक बॉक्स, स्विच बॉक्स। ये पूरा स्विच बॉक्स है, ये अपने काम का नहीं है, मैं नहीं खोलती इसको कभी। तो यहाँ पे जो भी आपका बंद होता है वो सोसाइटी वाले इसको हैंडल करते, हम नहीं। एंड यहाँ पे है राजेश का आनंद भवन। राजेश का फेवरेट प्लेस आनंद भवन। आनंद भवन यानी कि वॉशरूम, बाथरूम, जो भी बोलिए। तो ये है पूरा बाथरूम, फुल बाथरूम बोलते हैं इसको। एंड ये सबसे अच्छी बात है कि ये जॉइंट नहीं है रूम के साथ, अलग से है। एंड घर बेचने वाले कितने के घर बेचे? मैं घर ये बेचूंगी ना अभी, आंदो वाली रेंज। तो वो यहाँ पे ना ये जो लाइट्स है ये सब सोसाइटी वालों ने ही दिया है, हमने नहीं लगाया। एंड बहुत बड़ा सा मिरर, तो जो मेकअप के दीवाने जैसे मैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट क्या बोलते हैं उसको मेकअप रूम है। एंड यहाँ पे भी बहुत सारा क्लोसेट है, अलमारी है, यहाँ पे हम अपना टिश्यू पेपर वगैरह रखते हैं। एंड यहाँ पे भी मेरा पूरा ज्वेलरी वगैरह रखा हुआ है, डुप्लीकेट है असली कुछ नहीं। बहुत ज्यादा यहाँ पे भी क्लोसेट है, तो इस घर में ना भर भर के क्लोसेट है। एंड यहाँ पे मैंने अपना लॉन्ड्री बास्केट रखा है। अब है इस कर्टन के पीछे जहाँ हम नहाते, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वाला बहुत कम कॉन्सेप्ट होता है। एंड बाथटब वाला कॉन्सेप्ट यूएस में ज्यादा है, बाथरूम में आपको ज्यादातर बाथटब मिलेगा, कहीं कहीं आपको स्टैंडिंग वाला मिलेगा। तो ये राजेश का फेवरेट प्लेस से निकल के अपने फेवरेट प्लेस में जाती हूँ, शायद बेचने वाले प्रस्थान करती हूँ हमारे क्या बोलते हैं आराम भवन की तरफ। तो आइए आइए, ये है हमारा आराम भवन। एंड यहाँ पे हमारा बेड है, तो अभी हमने फ्रेम नहीं लिया, अभी बस ये स्प्रिंग बेड है एंड किंग साइज बेड है। यहाँ पे हम तीनों एडजस्ट हो जाते हैं पतले दुबले से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है ये, जिससे इस ये एरिया से हमारा दाना पानी चलता है, इस घर का रेंट जाता है, सब जाता है। ये है राजेश का ऑफिस। एंड अभी टेम्पररी रिधान यहाँ पे बैठा है, रिधान का ये स्पेस है। एंड इसके साथ है बहुत बड़े बड़े विंडो, एंड व्यू तो बहुत अच्छा है। तो ये आप देखिए विंडो के बाहर क्या मस्त व्यू है। एंड विटामिन डी के लिए सब बाहर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो सूरज की जो पहली किरण आती है वो हमारे इसी विंडो से आती है। तो मैं वहां सोती हूँ तो विटामिन डी मुझे भर भर के मिलता है पूरा। उसके बाद विटामिन डी के साथ साथ हमें सनसेट भी देखने को मिलता है, जो राजेश को मिलता है। ये बहुत हेवी है भाई, जो यहाँ से भी है एंड यहाँ भी पूरा ग्रीनरी है। तो रूम तो इतना ओपन है, बहुत मजा आता है मुझे, ये बहुत पॉजिटिविटी आता है क्योंकि बहुत सारा सनलाइट आता है, लाइट आता है, अंधेरा नहीं है। एंड ये है वॉकिंग क्लोसेट। एक चीज और बताती हूँ, यूएस में वो वार्डरोब का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, आपको 60% फ्लैट्स और अपार्टमेंट में वॉकिंग क्लोसेट मिलेगा। एंड ये रूम को हम चाहे तो रूम भी बना सकते हैं। तो आइए, ये हम लोग सबका फेवरेट प्लेस है क्योंकि हम लोग तीनों को कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ये सारे कपड़े राजेश के हैं, पीछे बस दो चार मेरे। तो ये सब है और ऊपर मेरे हैं, कुछ यहाँ पे इंडियन है। देखो मेरे पास ज्यादा कपड़ा नहीं है, मैं थोड़े ही समय रहती हूँ। ये मेरे हैं, इधर रिधान के हैं,
एंड इधर विधान के है, इधर इधर भी राजेश के ही है। सो गाइज, ये था हमारा होम टूर एंड ये है वन बेडरूम अपार्टमेंट एंड इसको हमने किया था 6 मंथ के लिए लीज। तो ये यहाँ पे रिधान का स्कूल अच्छा है, 9 रेटिंग का, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा था इस एरिया में। ये पूरा घर है 900 स्क्वायर फीट में एंड इसका जो रेंट हम पर मंथ देते हैं वो देते हैं $1700 पर मंथ एंड इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास है। इंटरनेट वगैरह सब एक्सक्लूड है, वो नहीं सिर्फ हम घर का इतना रेंट देते हैं। तो गाइज, होप आपको ये होम टूर बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसके साथ करती हूँ वीडियो का एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट थर्सडे को। बाय गाइज, लव यू ऑल।